चाचा जी का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दहेज ना दे पाओ तो अपनी बेटी गवाओ। देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा तो सही है, लेकिन क्या ये सही है कि दहेज के लिए हम अपनी बेटी को गवा दें? एक लड़की की कहानी, पहले जन्म हुआ तो परिवार हुआ खपा, थोड़ा बड़ी क्या हुई उसे बर्तन दिया जाता है थमा, 18+ क्या हुई घर वालों का बीपी बढ़ा, जैसे तैसे बेचारी की शादी हुई, ससुराल वाले को उसे दिया थमा और दहेज ना देने के जुर्म में लड़की से छीन लिया जाता है संसार। हाँ लड़की से छीन लिया जाता है संसार, कसूर होता है लड़कियों का। क्या लड़की होना गुनाह है या लड़की को शादी लायक होना गुनाह है या फिर लड़की को शादी करना गुनाह है? यदि यह सभी गुनाह है तो हर लड़की यह गुनाह करती है। साला मेरा समाज इन लड़कियों को अपनी पैसों की गर्मी में जलाकर मार देता है। ऐसा ही एक कांड मुजफ्फरपुर जिले के माहदीपुर में हुआ है, जहां दहेज के 2 लाख रकम को अदा न कर पाने पर रिंकी देवी को अपनी जान से हाथ धोनी पड़ी, उसे जला दिया गया सरेआम। हमारे समाज के लिए तो कॉमन बात है, आए दिन ऐसे कांड हमेशा होते रहते हैं, किसी को जला करके मार दिया जाता है तो किसी को पीट पीट कर मार दिया जाता है और कारण बस दहेज होता है। ऐसे लोगों को बीच चौराहे पर ले जा करके उसे जला देना चाहिए, ताकि कम से कम ऐसा गुनाह करने से पहले लोग 100 नहीं लाख नहीं बल्कि अनलिमिटेड बार सोचे। लेकिन साला अंधा लंगड़ा लूल्हा सरकार को समझ में कहां आता है, खाली भाषण देने चलते हैं कि दहेज प्रथा बंद करो दारू बंद करो। साला बंद तो कुछ हुआ नहीं और बल्कि से बढ़ापा मिल गया, जो कम थी उसे और ज्यादा हो गया। साला हमारा बस चले तो इन साले नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारो, ताकि वादा करने से पहले साला ये लाख बार सोचे, भाषण देने से पहले 1 लाख से नहीं 10 लाख बार सोचे कि साला भाषण दिए ही हम क्यों है। साला कोई भी आता है कोई नौकरी देने का।